टोहाना से बड़ा अपडेट है, मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ सकती है पार्टी, बबली की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि बबली ने लोगों की समस्याएं भी सुनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। अधिकारियों को साफ तौर पर जो दिशा निर्देश है वो भी यहां पर दे दिए। प्रदेश की गठबंधन सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अधिकांश वक्त की बड़ी खबर, मंत्री देवेंद्र बबली का एक बड़ा बयान भी यहां पर सामने आया है। टोहाना से इस वक्त का बड़ा अपडेट है, आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ सकती है पार्टी, बबली की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। तो आपको बता दें कि बबली ने लोगों की समस्याएं जो आ रही थी उनको सुना है और समाधान के निर्देश यहां पर दे दिए। विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी यहां पर की है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है, आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ सकती है पार्टी, बबली की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि आगामी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल उनकी तरफ से अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित कर दिया गया है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान हो। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और समूथली सरकार हम चला रहे हैं और जो मैनिफेस्टो लेकर हम जनता के बीच में गए थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से गई थी, हम लोग जनता की जनता पार्टी के लोग अपनी तरफ से गए थे, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत जो वादे हमने हरियाणा प्रदेश की जनता से किए थे हमने उनको धरातल पर लेकर आने का काम किया है। हमारी पार्टी में सदा हमने 75% युवाओं को रोजगार की बात थी, हमने कानून लेकर आए, प्रतिनिधित्व 50% देने की बात थी, अन्य और आपने कई घोषणाएं देखी होंगी जिनको हम लागू करवाने में कामयाब रहे हैं। और आज ये जो टर्म्स है मैं ये बिल्कुल इंश्योर कर सकता हूँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी और के साथ और हम सब का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है और प्रदेश हित के लिए आज मुख्यमंत्री जी की भी सोच वही है और हमारी सोच है, हम उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे सकें और एक अच्छी सरकार जो जनता कहेगी उस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिएगा वो भविष्य में के गर्भ में फैसला है, दोनों पार्टियों के जो संगठन है उन्होंने फैसला लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जनता की मांग जो काम को देख कर लोग कहेंगे और पार्टियां के जो लीडर्स हैं सीनियर लीडर वो फैसला लेंगे, तो मेरा मानना है कि आने वाला चुनाव भी हो सकता है हम गठबंधन में लड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कैथल के अतिरिक्त मंडी का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है। आपको बता दें कि उनका हालचाल भी जाना गया है। कृषि मंत्री ने गेहूं उठान को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देशित यहां पर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा जल्द मिले, साथ ही उन्होंने मंडी में शेड लगवाने का आदेश यहां पर दे दिया है। कैथल मंडी का दौरा किया और ये हरियाणा की हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में ही 3 मंडियां हैं, तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं और यहाँ पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है, लगभग 56,60,000 बोरियां आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की और पिछले साल से इस दिन में 40,00,000 आई थी, तो ज्यादा अराइवल है। फसल इस बार लगता है कि पहले से ज्यादा आएगी और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को इनको लिफ्टिंग को बढ़ाएं क्योंकि बेमौसमी बारिश से डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ रही थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज्यादा दुखी हुई फसल नहीं है। हमारा ये इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है, जो दाना है खराब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार से ले ली, रेस्ट ऑफ लॉस की किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाएगा।